हाय एवरीवन दिस इज बॉनिका आज हम बात करने वाले हैं एक तरह की मेहंदी की राजस्थान की मेहंदी है सोजत मेहंदी इसको जीआई टैग मिला है इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या वी तो कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी जो स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट से हमको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं स्टडी आई क्यू के पास बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस अवेलेबल हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जैसे राजस्थान पीएससी, राजस्थान जुडिशरी कोर्स राजस्थान जी राजस्थान एस एस राजस्थान एस राजस्थान टीई टी ई एम भी अवेलेबल है जो नीचे आपको नंबर दिखा उस पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू अर टॉपिक मेहंदी स्पेशली लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद रहती है डिफरेंट फंक्शंस पे रक्षाबंधन हो गया शादी के फंक्शंस हो गए तो लोग मेहंदी के डिजाइन लगवाते हैं तो यूसी मेहंदी ना जिसको हम बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं सोजत मेहंदी की बात कर रहे हैं राजस्थान से जिसको जी टैग मिला है जितने भी जी आई टैग पर हम वीडियोस बनाते हैं अलग अलग उस पर मैं आपको समझाती हूँ कि जी आई टैग की क्या इंपॉर्टेंस है उस वहाँ के बिज़नेस के लिए जो लोग इस मेहंदी को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बाद पैकेजिंग करते हैं उनको जी आई टैग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोगों को भी फायदा है कि एटलीस्ट आपको क्वालिटी और ओरिजिनल चीज़ मिलेगी तो जी आई टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट इसको मिला है और इससे जो इस प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं उनको बेनिफिट होगा अच्छे प्राइस पे इसको बेच पाएंगे और और दूसरा इसको फेक करके इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोई नहीं बेच पाएगा तो सोजत मेहंदी यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट्स अ जी आई टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट और ये जो पाली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का यहाँ पे सोजत नाम की सिटी है जहाँ पे जिस नाम पे इस मेहंदी का नाम है जी आई टैग सोजत मेहंदी के लिए विन विन है फार्मर्स जो इसको प्रोड्यूस करते हैं एम एस सी एम ई प्लेयर्स के लिए आर्टिस के लिए आर्टिस यानी जो ये मेहंदी के डिज़ाइनस जो लोग ये बनाते हैं उनको भी फायदा होगा क्योंकि अगर आप देखते हैं तो डिजाइन डिज़ाइंस के हिसाब से वो पैसे लेते हैं कि डिज़ाइंस और प्लस कौन सी मेहंदी यूज़ कर रहे हैं हैं उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो उन लोगों को भी फायदा होगा तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स भी जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स या मेडिसिनल यूज़ के लिए हैं उनको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू दोनों यहाँ पे इन दोनों के इन दोनों के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इसको जीआई टैग मिलने की वजह से तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं अब सोचित मेहंदी के बारे में जानते हैं तो ये जो मेहंदी के लीव्स हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं सोजत में नेचुरली कल्टिवेटेड है पूरे तरीके से नेचुरली इसको ग्रो किया जाता है रेन वाटर इसके लिए चाहिए फॉर गेटिंग हाई लॉसोन लॉसोन क्या है लॉसोन बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं एक हैनोटेनिक एसिड होता है इसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहती है हैना लीव्स में उतना अच्छा कलर आता है तो ये रेड आप इसको समझ सकते हैं रेड ऑरेंज कलर uh, जो डाई प्रेजेंट रहती है लीव्स में वो रहता है उसका कंटेंट मेहंदी लीव्स में लॉसन कंटेंट सोजत मेहंदी में अच्छा रहता है तो जैसे मैंने आपको बताया मैप में दिखाया ओके यर इज़ द मैप कि पाली डिस्ट्रिक्ट ओके okay? तो पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के वहाँ पे काफ़ी नेचुरल फैक्टर्स इस तरह के हैं जो जियोलॉजिकल uh, स्ट्रक्चर ऐसा है वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है ड्रेनेज uh, सिस्टम ऐसा है क्लाइमेट सॉइल सब सूटेबल हैं इस क्रॉप के इस क्रॉप को जो जो चीज़ें चाहिए वो सोजत तहसील जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे ये नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो करता है अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये ह्यूज डिमांड में है गल्फ़ नेशंस में गल्फ़ में लोग मेहंदी को पसंद करते हैं तो वहाँ पर इसकी काफ़ी डिमांड रहती है गल्फ़ नेशन्स में इसकी अच्छी खासी मार्केट मेक्सिको अफ्रीका में भी है यहाँ पे टैटू बनाने के काम आती है ये मेहंदी वहाँ पे यूज़ होती है और भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट में इसको देखा जा सकता है तो काफ़ी इम्पॉटेंट है इसका फ़ायदा होगा इसको जीआई टैग मिलने से और अगर आप देखेंगे सोजत में जो इंडस्ट्रीज़ थी काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी काफ़ी समय से और डाइंग सेगमेंट में भी तो जीआई टैग से एक बूस्ट मिला है इसको अब मेहंदी में जो लोग इसको ग्रो करवाते हैं जो कल्टीवेट करते हैं उनको फ़ायदा होगा और साथ में जो पैकेज करते हैं मेहंदी का जो पैकेट पैकेजिंग होती है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा क्योंकि वो मेड इन इंडिया का स्लोगन बनाएंगे वुमेन जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी महिलाएं इन्वॉल्व रहती हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा तो पैकेजिंग इंडस्ट्री का भी इक्वली फ़ायदा है फार्मर्स का ट्रेडर्स का जो कि या तो ग्रो करते हैं मेहंदी को या बेचते हैं सेल करते हैं सबको बेनिफिट होगा सोजत सिटी के बारे में बता दूँ मारवाड़ रीजन जो जोधपुर एम्पायर का है वहाँ ये सिटी है लेफ़्ट बैंक ऑफ सुकरी रिवर पाली डिस्ट्रिक्ट में है पहले एनशियन टाइम में इसको तम्रावती नगरी कहा जाता था सोजत इंडिया का लार्जेस्ट हैना प्रोडक्शन सिटी है सबसे ज़्यादा हेना जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है 90 परसेंट मेहंदी प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट जो बाहर के देशों में जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपके सोजत में प्रोड्यूस होती है सोजत को हेना सिटी भी कहा जाता है तो ये एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है कभी स्टेटमेंट में आए कि हना सिटी कौन सी है मेहंदी नगरी सोजत सिटी है क्योंकि हैना का बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे होता है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ पे सॉयल की क्वालिटी भी अच्छी है जो हैना ग्रो करने के लिए चाहिए और यहाँ से वर्ल्ड वाइड आपकी एक्सपोर्ट होती है अब राजस्थानी है ना वैसे भी आप देखें तो काफ़ी फेमस रहती है क्योंकि बहुत ही रेडिश रेड कलर डार्क कलर आता है मेहंदी का तो उसकी क्वालिटी को अच्छा माना जाता है हाथों में या पाँव में कहीं पे भी आप लगाओ और लोग इसको सर में भी लगाते हैं मेहंदी को क्योंकि इसको एक अच्छा कंडीशनर एक तो कलर भी इम्पार्ट करता है हेयर में और एक अच्छा कंडिश्नर भी इसको बालों के लिए माना जाता है है ना ऑफ दिस रीजन्स कंटेन्स हाई लॉसन कॉन्टेंट तो मैंने आपको बताया लासन कॉन्टेंट जो है जिसको हम हैनोटेनिक एसिड कहते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है डाइंग एजेंट है कलर इसी की वजह से आता है हैना पाउडर में तो हैना लीवस का कॉन्सेंट्रेशन इसमें लॉसोन का पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव परसेंट रहता है ये प्रोटीन्स के साथ खुद को अटैच कर लेता है और जिससे जो कलर आपका आता है डाई का कलर बहुत फास्ट आता है और हायर जितना लास ऑन कंटेंट होगा हेना का पाउडर उतना अच्छा क्वालिटी में माना जाएगा अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है अंडर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड उन्होंने कृषि उपज मंडी सोजत सिटी में इसको सेटअप किया याद रखिए क्या है कृषि उपज मंडी सोजत सिटी में कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग जो है हेना लीव्स की इस रीजन में ये करें तो ये याद रखिए सिंस इट इज़ एन एक्सपोर्ट कम्यूडिटी अब ये इसको एक्सपोर्ट के लिए मेहंदी को भेजा जाता है नाइन्टी परसेंट है ना जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको एक सौ तीस देशों में भेज, भेजा जाता है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसमें जो कृषि उपज मंडी है उसका यहाँ पे एक रोल रहता है कि सही पैसे फार्मर्स को मिलें कि, कि उनको ठग ना लिया जाए कम पैसों में ना उनसे खरीद ली जाए तो फेयर रिटर्न्स है ना फार्मर्स को इस रीजन के मिले दे एन्श्योर दैट दिस कृषि उपज मंडी और हर दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 140 से 150 मेट्रिक टन है ना लीव्स जो हैं वो आर सोल्ड बाय फार्मर्स उनको जो किसान है वो बेचते हैं है ना ट्रेडर्स को तो फार्मर्स किसको बेचते हैं ट्रेडर्स को बेचते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी बेचते हैं थ्रू कृषि उपज मंडी इन सोजत सिटी तो यहाँ पे आप देखिए कृषि उपज मंडी का काफ़ी रोल रहता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें अब हैना का जो आर्ट है मेहंदी लगाने का जो आर्ट है हिंदी उर्दू लैंग्वेज में इसको मेहंदी कहा जाता है हैना को आ, ये पाँच हज़ार साल पुराना है ऑलमोस्ट हमको इस तरह से पता चलता है पाकिस्तान में इंडिया में अफ्रीका में मिडल ईस्ट में डॉक्यूमेंटेशंस तो इसको कुछ ये भी बताती हैं कि नाइन थाउजेंड ईयर्स पुराना भी है फाइव थाउजेंड की जगह नाइन थाउजेंड भी कहीं जगह अनुमान लगाया जाता है क्योंकि है ना कि बहुत सारी मेहंदी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं कैसी प्रॉपर्टीज़ कूलिंग प्रॉपर्टीज़ कि इसको कोई लगाएगा उसको ठंडक महसूस होगी और डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनको वैसे ही अच्छा लगेगा लगा के सेंचुरी से इसको यूज़ किया जा रहा है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए और आज इस एंशियन ट्रेडिशन को लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं हैना प्लांट को नाइन्टीज़ में बहुत पॉपुलर हुआ था बॉडी डेकोरेशन टेम्प्ररी बॉडी डेकोरेशन के लिए यू में भी नाइन्टीज़ में ना बहुत फ़ेमस हुई थी और तब से ये ट्रेंड नाइन्टीज़ के बाद ग्रो ही करता जा रहा है अब हैना को एक हर्ब माना जाता है जैसे प्लांट्स होते हैं ट्री होता है श्रब होता है तो हेना का जो पौधा है उसको आप हर्ब बोलते हैं और इसकी हीलिंग क्वालिटीज भी हैं मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं अब इसको ऐसे खाया नहीं जाता या सूंघा नहीं जाता इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है अगर हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं आप किसी को ठीक करने के लिए किसी की कोई एलमेंट है उसको दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करेंगे स्किन पे हेडेक्स के लिए स्टमक पेंस के लिए किसी का जल जाता है हाथ या कुछ भी बर्न्स हैं चाहे आपके सन बर्न्स हैं सन से जो स्किन पर रेडिशनेस हो जाती है या घाव हैं खुले हुए घाव हैं फीवर हो रहा है एथलीट फुट हो गया है किसी को या प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस तो वहाँ पे आपकी हैना जो है वो अप्लाई की जाती है ये केमिस्ट्री दिखा रखी है इसकी देखो लॉस ऑन कॉन्टेंट की जो हम बात कर रहे हैं तो दिस इज लॉसोन रेड ऑरेंज डाई फ्रॉम द लीव्स ऑफ द हैना प्लांट कंटेन्स लॉसोन लॉसोन रिएक्ट्स केमिकली विद कैरेटिन इन द स्किन हमारी स्किन में कैरेटिन है और उससे रिएक्ट करता है कैरेटिन इज अ प्रोटीन तो जो लॉसोन है ये हमारी कैरेटिन से रिएक्ट uh, करता है और स्टेन छोड़ देता है उसको कलरफुल कर देता है एटलीस्ट दो से छः हफ्ते कम भी रहता है ज़्यादा भी रह सकता है तो हैना का कलर रहता है अब यहाँ पे देखिए ब्लैक हैना भी देखी होगी काली मेहंदी जो होती है बेसिकली वो हैना ही हैना ही होती है लेकिन उसमें एक डाई यूज़ की जाती है पैराफिनाइलिन डायमीन जो कि उसको ब्लैक कलर देती है लेकिन काफ़ी लोगों को उनकी स्किन पे ये सूट नहीं करती एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इसलिए ब्लैक हैना को डिस्करेज किया जाता है देखिए हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी यूज करते हैं प्रियंका चोपड़ा की मेहंदी जो हुई थी वो सोजत राजस्थान से लाई थी है ना सिटी ऑफ इंडिया तो है ना सिटी ऑफ इंडिया इज सोजत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है हर बार मैं आपको बताती हूँ लेकिन फिर से मैं हर लेक्चर में इसको इंक्लूड करती हूँ ताकि आप कभी भूलें ना जोग्राफिकल इंडिकेशन एक इस तरह का साइन है जिसको प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिनका एक स्पेशल स्पेसिफिक जियोग्रफिकल ओरिजिन होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस से होती हैं जिसमें इस तरह की क्वालिटीज़ होती है इस तरह का रेपूटेशन होता है कि उस वो जो रेप्यूटेशन उसने अपने ओरिजिन की वजह से कमाया है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है ये अब सोजत से बिलोंग करती है इसलिए ये सोजत मेहंदी है अब राजस्थान के और भी काफ़ी सारे जी आई टैग्स हैं स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं बागरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग है पॉटरी है कटपुतलीज बनाई जाती हैं कोटा डोरिया है क्ले वर्क है अलग अलग तरह का फुलकारी का भी हैंडी वर्क है पंजाब में भी होता है लेकिन राजस्थान में राजस्थानी फुलकारी वर्क होता है और बीकानेरी भुजिया है मार्बल्स हैं तो अलग अलग ये आप याद रख सकते हैं अब आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली चेक हाउ ब्लैक राइस मणिपुर बंदर लड्डू बंदार लड्डू जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं आंध्र प्रदेश अरनमुला कन्नाडी आंध्र प्रदेश बर्धमान सीताभोग वेस्ट बंगाल तो बताइए मैच द फॉलोइंग आता है एग्जाम में तो कौन सा पर पेयर जो है वो सही करेक्टेड नहीं है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं टेलीग्राम में पोल के रूप में आपको मिलेगा वहाँ पे आपको राइट right आंसर पता चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच